नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश प्रीत सिंह फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। हमने नंबर सिस्टम का एक पार्ट पहले किया था, ये पार्ट सेकंड है। इसके अंदर बात करेंगे हम विभाज्यता की जांच, यानी किसी नंबर को किसी अंक से नंबर से डिवाइड करने पर क्या उसमें डिवाइड जाता है या नहीं जाता, उसकी जाँच हम यहाँ उसके अंदर डिस्कस करेंगे आज के इस वीडियो में। और इससे रिलेवेंट, नंबर सिस्टम से रिलेवेंट कुछ क्वेश्चन, कुछ एक माइनर पॉइंट्स जो हैं उनके बारे में और डिस्कस करेंगे, जिनसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखते रहिएगा, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। यहाँ दो से विभाज्यता का नियम, अगर दो से विभाज्य किसी नियम की जाँच करनी है तो अंतिम अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6 या 8 इकाई अंक उसका होना चाहिए। तीन से विभाज्य के लिए किसी अंक संख्या का, फॉर एग्जाम्पल 2, 3, 4 ये संख्या है, अगर इसका अपने देखें तो इसके अंकों का योग यदि क्या आ रहे हैं, 3 से विभाज्य है, तो ये पूरे की पूरी संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाज्य है। 2, 4 और 8 ये सिमिलर हैं, 2, 4 और 8 ये सिमिलर हैं। 2 के लिए इकाई का अंक मतलब अंतिम से एक अंक देखना है, 4 के लिए अंतिम दो अंक देखने हैं, या आपने कहते हैं इकाई दहाई दो अंक देखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 2016, क्या 16 में 4 का डिवाइड जाता है, यस, तो इस पूरे नंबर में भी किसका डिवाइड जाएगा, 16 का, 4 का। 5 से विभाज्य, अगर 5 का टेबल अपने ये देखें तो 5, 10, 15, 20, 25, 30 ये रहता है, कहने का मतलब इसका जो अंतिम अंक है वो क्या हो, 0 या 5 हो अंतिम अंक, तो किससे डिविजिबल होगा वो, 5 से। 6 के फैक्टर करके देखें तो 2, 3 या 6 होता है, ठीक है, तो कहने का मतलब 2 और 3 दोनों की कंडीशन क्या हो यहाँ अप्लाई होनी जरूरी है। 2 के लिए क्या रहता है, अंतिम अंक ये हो, 3 के लिए क्या रहता है, अंकों का जो योग है वो डिविजिबल होना चाहिए किससे, 3 से। 7 की विभाज्यता अपने डिस्कस करेंगे, और साथ में करेंगे 13 की, और साथ में करेंगे 17 की। अब आते हैं 8 पे, अपनों ने कहा था 2, 4 और 8 सेम है, 2 के लिए इकाई का एक अंक, 4 के लिए इकाई अंतिम से दो अंक इकाई और दहाई के, 8 के लिए अंतिम से 3 अंक अपनों ने देखने हैं, इकाई दहाई और सैकड़ा। अगर वो 8 से क्या है, डिविजिबल, तो पूरे का पूरा अंक, पूरी की पूरी संख्या 8 से क्या होगी, डिविजिबल। अब बात करते हैं 3 और 9 की, जैसा 3 है सेम कौन है, 9। 3 के अंदर अंकों का योग किससे विभाजित होना चाहिए था, 3 से। 9 के अंदर अंकों का योग क्या होना चाहिए, डिविजिबल होना चाहिए किससे, 9 से। फॉर एग्जांपल इसी को देखें, 2, 3, 4 अपनों ने इसके अंकों का योग किया, कितना आ गया, 9। 9 डिविजिबल है 9 से ऑब्वियसली, तो ये 234 नंबर जो है वो भी किससे डिविजिबल है, 9 से। 10 से विभाज्यता सिंपल, 10 के फैक्टर अगर देखें तो 2 और 5, 2 के फैक्टर में और 5 के फैक्टर में, इनके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट कॉमन आएगा वो है 0, कहने का मतलब अंतिम अंक क्या हो किसी संख्या का, अगर 0 है तो वो किससे डिविजिबल है, 10 से। 11 की बात करें तो फॉर एग्जांपल अपने लेते हैं 1, 3, 3, 1, इसके सम और विषम पद वाली जो संख्याएं हैं उनका योग करें, जैसे पहले एक फिर एक एक छोड़ के, मतलब पहले ये देखें एक फिर प्लस एक छोड़ के कौन आ जाएगा, 3, बचा कौन, 3 और 1। अगर इनका डिफरेंस करें तो 4 माइनस 4 कितना हो गया, 0, तो ये जो डिफरेंस है या तो 0 हो या 11 हो 22 हो, ऐसे चलता रहे, अगर इनमें से कुछ आ रहा है 0, 11, 22 ऐसे, तो वो नंबर किससे डिविजिबल होगा, 11 से। 12 का सिंपल है, 12 के अंदर अगर इसके फैक्टर करें तो क्या आएगा, 3 और 4, जिसकी कंडीशन 3 वाली अप्लाई हो 4 वाली हो दोनों, वो किससे डिविजिबल, 12 से। 14 भी देखेंगे अपने, 15 के अंदर दो फैक्टर होंगे 5 और 3, 5 की कंडीशन अप्लाई हो 3 की भी, 5 की क्या थी, अंतिम अंक 0 या 5, 3 के लिए क्या रहेगा, जिसका योग जो है अंकों का वो डिविजिबल होगी इससे, 3 से।
17 अभी देखेंगे, 18 के फैक्टर करें तो 209, 2 का मतलब सम संख्या हो और 9 का मतलब जिसका योग किससे डिविजिबल हो, 9 से। 25 की बात करते हैं, 5 के लिए अंतिम एक अंक देखते हैं, 25 के लिए अंतिम दो अंक देखेंगे जो किससे डिविजिबल हो, 25 से विभाज्य हो। कहने का मतलब फॉर एग्जांपल अगर अपने लिए 00255075 ये अगर किसी संख्या के अंतिम अंक हैं तो वो किससे विभाज्य होगा, 25 से। अब बात करते हैं अपने 7 से विभाज्य संख्याओं की, 7 से विभाज्य कौन होगी, तो 7 की बात करते हैं। 7 के लिए फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ 2429, ये कोई संख्या ले ली, करना क्या है इसकी अंतिम संख्या को इससे मल्टीप्लाई करना है 2 से और इसमें से माइनस कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ इसको करके देखते हैं, 242 माइनस 9 इंटू 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 18। अगर 18 माइनस कर दूं मैं इसमें से तो क्या बच जाएगा, 224। अभी भी बड़ा लग रहा है तो इसको आगे सेम वापस प्रोसेस रिपीट करेंगे, 22 माइनस 4 इंटू 8 सॉरी 4 इंटू 2 तो 22 माइनस 8 तो ये बचेगा 14। 14 डिवाइडेड होता है 7 से तो ये पूरे का पूरा ये जो नंबर है किससे डिविजिबल है, 7 से। 7 के बाद अगर 14 को देखें तो 14 के दो फैक्टर कर सकते हैं 2 और 7, 7 की सेम कंडीशन और 2 की सेम कंडीशन तो ये नंबर डिविजिबल होगा किससे, 14 से। अब आते हैं 17 पे, ओ 13 पे, 13 रह गए ना, 13 पे, 13 के अगर अंदर देखें तो फॉर एग्जांपल अपने यहाँ पे लेते हैं 689, 689 में सेम वही करेंगे, 68 माइनस 9 इंटू, लेकिन ये 9 इंटू कितना रहेगा, 4, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करके 9 फोर जा 36, लेकिन यहाँ बस माइनस नहीं करना, अपने को क्या करना है प्लस, 7 वाले में माइनस होगा 13 वाले में प्लस, ये टोटल कितना हो गया 104, 13 के टेबल में आता है 104, दैट मीन्स 13 किससे डिविजिबल है, 689 डिविजिबल है किससे, 13 से। अब आगे एक और अंक बचा है कौन सा, 17, 17 के लिए फॉर एग्जांपल अपने यहाँ एक नंबर ले लेते हैं वो रहेगा 731, इसकी जांच करनी है क्या ये 17 से डिविजिबल है या नहीं, तो अपने सेम करेंगे 73 माइनस 1, लेकिन 17 वाले में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 5 से, माइनस करेंगे मल्टीप्लाई करके 60 कितना बचेगा, 68, 17 फोर जो 68 होता है तो ये नंबर भी किससे डिविजिबल है, 17 से। अब डिस्कस करते हैं नंबर सिस्टम से रिलेवेंट कुछ और पॉइंट्स। जैसे अक्सर क्वेश्चन दिया होता है कि किसी संख्या को, कोई संख्या है उसको डिवाइड कर दिया 119 से, 119 से क्या कर दे, भाग देने पर जो शेष फल है वो कितना बचता है, 19 शेष रहता है। तो यदि जिस संख्या को 119 से भाग देने पर शेषफल कितना बच रहा है, 19, उसी संख्या को डिवाइड करना है फिर से, भाग देना है किससे, 17 से, तो शेषफल बताओ, शेषफल बताओ कितना होगा। तो अपने को देखना है कि 119 से भाग किया तो शेषफल बचा है 19, अब उसी संख्या को 17 से भाग करें तो शेषफल क्या आएगा, तो अपने पहले इनका देखेंगे कि क्या 17 का 119 में भाग जाता है, जी जाता है, तो आप इसको छोड़ देंगे कि इसमें अगर 119 में किसी का डिवाइड जा रहा है, 119 से डिवाइड जा रहा है तो वो 17 से भी जाएगा, क्योंकि 17 को अगर मैं 7 से इंटू कर दूं तो शायद यही आएगा 119, तो कहने है मतलब 119 में से किसी नंबर में डिवाइड जा रहा है तो 17 से भी जाएगा। अब बात करते हैं शेषफल क्या बचता है, शेषफल बच रहा है 19,
इस 19 को अब भाग कर देंगे किससे, 17 से, तो शेषफल क्या बच गया, 2, जो कि इसका क्या है आंसर। इसी से रिलेटेड पहला टाइप ये हो गया। इसी से रिलेटेड दूसरा टाइप, दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी संख्या को 72 से विभाज्य करने पर, किसी संख्या को इस बार डिवाइड किससे करेंगे, 72 से, और शेषफल क्या प्राप्त होता है, विभाज्य करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। तो यदि शेषफल 8 प्राप्त हो रहा है 72 से डिवाइड करने पर, अब क्या करेंगे, उसी संख्या को भाग करेंगे किससे, 12 से। तो सिंपल हो जाएगा, 12 को पहले 72 देखेंगे, 72 को डिवाइड किया, 72 से किसी संख्या को डिवाइड किया, 8 बच रहा है, 12 से करेंगे तो क्या आएगा, 12 का 72 में डिवाइड जाता है, 12 6 72, तो मतलब इसको तो देखना नहीं, भाग किसको करना है, 8 को, 12 का 8 में भाग नहीं जाएगा, तो आंसर इसका भी शेषफल क्या आ जाएगा, 8। अब यहाँ देखते हैं, इस संख्या के वर्ग या घन को, अब अगर इस संख्या को, कोई संख्या थी जिसको 72 से डिवाइड किया, शेषफल 8 प्राप्त हुआ, अब इसी संख्या के वर्ग की बात करें या बात करें घन की, वर्ग की बात करते हैं तो जो शेषफल है उसका स्क्वायर करके डिवाइड कर देंगे किससे, 12 से। घन की बात करते हैं तो इसकी क्यूब करके डिवाइड कर देंगे 12 से। स्क्वायर का मतलब 64 डिवाइडेड बाय 12, तो शेषफल बच जाएगा इसका, तो इसका शेषफल बच जाएगा 12, 5 या 60 होगा, तो शेषफल क्या बच जाएगा, 4। ठीक है, सेम ये हो जाएगा। अब देखते हैं आगे एक और टाइप है, जो यदि किसी संख्या को कर्मशः, ये ध्यान रखना शब्द जरूरी है, कर्मशः मतलब लगातार इन्हीं नंबर से क्या किया, डिवाइड किया, तो कर्मशः विभाजित करने पर, पहले किससे, 3 से डिवाइड करेंगे, फिर 6 से, फिर 4 से, तो कंटिन्यूसली विभाजित करने पर शेषफल भी कर्मशः कितना बचेगा, 2, 3 और 1, तो वह संख्या क्या होगी, पहला क्वेश्चन तो ये, तो अपने पहले यहाँ लिख लेंगे, 3 से डिवाइड किया, फिर किया 6 से, फिर किया 4 से, 3 से डिवाइड किया तो शेषफल, 6 से किया तो, 4 से किया तो 1। आपने क्या करना है, लास्ट में जो है, लास्ट में यहाँ क्या लिख देना है, 1, और जो यहाँ नंबर आएगा वो आपकी क्या होगी, संख्या होगी। एक्चुअल में आपको पहले यहाँ से क्या करना है, मल्टीप्लाई, जो आएगा उसको प्लस करते जाना है, क्योंकि ये शेषफल है तो इसको प्लस करेंगे, 4 को 1 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस 1 किया कितना आ गया, 5, 6 को 5 से मल्टीप्लाई, 30 प्लस 3 किया 33, 33 को 3 से किया 99 में 2 जोड़ेंगे 101, तो वो जो संख्या थी वो कितनी आ गई, 101। अब इसी के आगे यहाँ तक पूछने के बजाय वो और पूछ लेता है कि किसी संख्या को 3, 6, 4 से विभाजित करने पर शेषफल 2, 3, 1 बच रहा है, तो यदि आगे है दूसरा क्वेश्चन, यदि उसी संख्या को डिवाइड कर दें किससे, 4, 6 और 3 से, तो शेषफल क्रमशः क्या आएगा, तो आपको वापस यही करना है, सम 101 वो संख्या है, डिवाइड किससे करना है, 4, 6 और 3 से, पहले 4 से करेंगे, पूरा डिवाइड जाएगा 25 पे, शेषफल बचेगा 1, फिर 6 से डिवाइड करेंगे, 6 चौके 24, शेषफल 1, फिर 3 से करेंगे, 3 एकम 3, शेषफल 1, तो ये रहेंगे इसके शेषफल 1, 1, 1। ठीक है,
अब बात करते हैं एक लास्ट टॉपिक पे, घातांक पर आधारित संक्रियाएं। जैसे कई बार नंबर दे देते हैं कि ऊपर एक नंबर है उससे जस्ट छोटा नंबर नीचे है, एक ऊपर संख्या है उससे जस्ट छोटी एक संख्या नीचे है, ठीक है। इनसे रिलेवेंट अपने बात करते हैं। यदि ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली छोटी है, और ऊपर वाली संख्या की जो घात है पावर है वो क्या है, विषम। कहने का मतलब कितनी भी बड़ी हो, इससे पहली बात कंडीशन जस्ट एक छोटी होनी चाहिए, जस्ट छोटी। कहने का मतलब 7 की पावर मान लो या 99 है और यहाँ डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो शेष फल जो है वो हमेशा क्या बचेगा, 1। इसको आप डिवाइड करोगे तो भी 1। 5 की पावर 3 कर दोगे, डिवाइड करोगे 4 से, पावर आंसर क्या आएगा, शेष फल 1। अब बात करते हैं इसके अपोजिट। अगर पावर क्या है, सम, और नीचे क्या है, एक टर्म बड़ी है, बड़ी संख्या आ जाएगी, जस्ट एक बड़ी। जैसे फॉर एग्जांपल 3 की पावर 100 डिवाइड करते हैं इसको 4 से, तब भी शेषफल क्या बचेगा, 1। ये जो माइनर माइनर से पॉइंट्स हैं ये आपको एग्जामिनेशन हॉल के अंदर बहुत आपका टाइम सेव करते हैं। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे 3 की पावर 4 रेज टू 100, 5 की पावर 3 उनमें 4, तो आंसर पूछेंगे तो इसका मीनिंग अपने को इसका पता है 1 होगा, इसका देखेंगे इसका भी 1, तो शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल पूछा उसने तो यहाँ से शेषफल कितना आ जाएगा, सीधा 2। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। ऊपर संख्या क्या हो, छोटी नीचे बड़ी हो, लेकिन पावर इस पर क्या हो, विषम। सेम यही एग्जांपल लेंगे, पावर क्या आ जाएगी, विषम। तब जो संख्या है ऊपर वही संख्या उसका क्या होगी, शेषफल। फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ले रहा हूँ 7 की पावर 33 अपॉन में 8, तो शेषफल क्या आ जाएगा इसका, 7। फॉर एग्जाम्पल अपने एक क्वेश्चन करके देखते हैं, 7 की पावर 62 प्लस 1 अपॉन में 8, इसका शेषफल पूछ ले कितना है, तो पहले अपने इसको सेपरेट कर सकते हैं, 7 की पावर 62 अपॉन में 8 प्लस 1 अपॉन में 8। अब देखो 1 को 8 से डिवाइड करोगे शेषफल क्या बचेगा, 1। 7 अपॉन 8 है, पावर क्या है, सम, एक जस्ट बड़ी संख्या है नीचे, यहाँ भी क्या थी 5, एक जस्ट बड़ी है, पावर क्या है, सम, शेषफल क्या बचा था, 1, तो यहाँ भी इसका शेषफल क्या बचेगा, 1, तो टोटल शेषफल क्या इतना आ गया, 2। ठीक है, इस टॉपिक से रिलेटेड जितना आज हमने किया है उससे रिलेवेंट आपके जो भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, डाउट्स हैं, वो आप मुझे इनबॉक्स कर दें और ज़रूर बताएं कमेंट करके कि वीडियो कैसी लगी।